एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ जानकारी ले लें कि एपी के एन टर्म्स का सम जो होता है ये एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहां आप जान रहे हैं कि एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ए जो है फर्स्ट टर्म हम लोग कहते हैं, उसके बाद डी जो है कॉमन डिफरेंस हो जाता है, एस एन जो है सम ऑफ एन टर्म्स हो जाता है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला हम यह भी जानते हैं, ए एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इंटू एन बाय टू टाइम्स। उसके बाद यह एस एन को हम लोग एन बाय टू इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, यदि एल आपका ए एन हो, मतलब लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करें, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग जाने कि nth टर्म, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, अगर आपको किसी भी एपी का nth टर्म निकालना है तो हम यह तो फॉर्मूला जान ही रहे हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके साथ साथ सम अगर दिया रहे तो उस कंडीशन में एस एन माइनस एस एन माइनस वन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो एस फोर में एस थ्री को माइनस कर दीजिए तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा। एस टेन निकालना है आपको, एस ए टेन निकालना है, टेंथ टर्म निकालना है, तो यह एस टेन में माइनस कर दीजिए एस नाइन को। इस तरह से हम लोग nth टर्म या कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, और इसका भी यूज होने वाला है इस आगे 5.3 में, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5.3 के तरफ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 5.3 का पहला नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इस एपीज का हमको सम निकालना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, उसका वीडियो में मेरा वॉइस रिकॉर्ड रहेगा, और उसके बाद जो प्रॉब्लम बहुत ही कठिन नहीं है मेरे समझ में और हमें लगता है कि वह बच्चा ठीक से बना लेगा, तो उसका सिर्फ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसमें हमारा वॉइस का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। इसमें टेंथ टर्म तक का हमको सम निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है 2 है, डी का जो वैल्यू है 7 माइनस टू इक्वल टू 5 है, एन का जो वैल्यू है यह 10 है। अब एस टेन इक्वल टू टेन बाय टू, एन का वैल्यू 10, 2 इंटू टू प्लस 9, चूंकि 10 माइनस 1 9 होता है, इसको 10 माइनस 1 भी हम लिख सकते हैं, इंटू डी का वैल्यू है हमारा 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 5 जै 10, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जै 45। इस तरह से ये हमको मिल जाता है 5 × 49, जिसका प्रोडक्ट होता है 245। इस तरह से हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं। Thank you.
क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो 7 एंड 10 हाफ प्लस 14, इस तरह से दिया गया है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहला टर्म जो है 7 है और यह इसमें लास्ट टर्म 84 है। डी जहां तक निकालना है तो डी को निकालने के लिए 10 एंड हाफ को माइनस कर देते हैं, -7 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 एंड हाफ, यानी कि डी का जो वैल्यू है हमारा ये 3.5 भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को निकालना है इसका सम, तो इसमें कितने टर्म है ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि सम जब हम लोग निकालते हैं तो एन का वैल्यू हमको इसमें पुट करना होता है, जैसा कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं 2a+n-1 × d, इस तरह का फॉर्मूला में एन की जरूरत होती है, या दूसरा फॉर्मूला n/2 × a+an भी हम लोग लिख सकते हैं। तो n निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं an=a+n-1 × d को, तो an का वैल्यू आपका 84 = a का वैल्यू 7 + n-1 × d का वैल्यू 3.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 84 - 7 = n-1 × 3.5, तो 84 - 7 ये आपका हो जाता है 77। 77 = n-1 × 3.5। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n-1 = 77/3.5। जब इसको आप कटाते हैं तो पॉइंट हटाने के लिए हम जीरो डालते हैं, तो 37.5 से 35 ये 110 टाइम्स में, फिर 5 से ये 22 टाइम्स में कट जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि n का वैल्यू 22 + 1 = 23 आता है। अब जो है हम जहां ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं n/2, n के लिए हम n का वैल्यू 23 निकल चुका है, उसके बाद a का जो वैल्यू है 7 है और an का जो वैल्यू है हमारा 84 है, इस तरह से ये हो गया आपका 23/2 × 91, इसका सम 91। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका इसका प्रोडक्ट 2093/2 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1046 एंड हाफ लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके दो प्रॉब्लम को नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है, उसमें हमारा वॉइस नहीं रहेगा। आप लोग को जहां भी दिक्कत हो उस वीडियो को पाउस करके थोड़ा रुक के आप उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। Thank you.
तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि यह एपी दिया गया है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस 10 क्वेश्चन में हम लोग 1 और 4 और 6 और 8 को सॉल्व करेंगे और इसे बेहद ही सरल तरीके से समझा के हम सॉल्व करेंगे। और इस सारे क्वेश्चन का जैसे 2, 3, 5, 7 और 9, 10 का इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम जो है उतना हार्ड नहीं है, और जो बच्चे ठीक तरह से फॉर्मूला जान रहे हैं और अभी तक के क्लास को समझ रहे हैं वो खुद बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यह अपील करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप अपने से बनाएं, अगर नहीं बने तो तभी इसका वीडियो में सॉल्यूशन देखें, वीडियो में इसका सॉल्यूशन तभी देखें। अगर आप लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके, पॉज बटन दबा के आप इस सॉल्यूशन को उतार सकते हैं, क्योंकि इसके सॉल्यूशन का स्पीड जो होगा स्पीड ज़्यादा होगा, तो इसे उतारने के लिए इसे आप पॉज बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, और इसमें हमको निकालना है n एंड sn निकालना है। तो an 50 कहने का मतलब लास्ट टर्म जो है 50 है, तो sn यहाँ मतलब 50 टर्म का ही हम लोग को सम निकालना है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। an का वैल्यू जो है 50 दिया गया है आपका, a का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो यह आपका 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। एन माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 45/3, जो कि आपका होता है 15। इसके बाद n का वैल्यू 15 प्लस 1 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16। अब हमको निकालना है s 16 का वैल्यू, तो s 16 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16/2 फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म आपका 50। तो 16/2 है तो यह 8 टाइम्स में कट जाता है, 8 × 55। तो 8 × 55 अगर आप करते हैं तो यह आपको प्राप्त होता है 440। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसा कि कहा हमने कि 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में आपका दिया गया है क्या कि a3 इक्वल टू 15, s10 इक्वल टू 125, फाइंड d एंड a10 निकालना है आपको। तो s10 जो है 125 है, a3 जो है 15 है। इसको a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, और इस s10 को लिख सकते हैं s10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 125। तो यह 5 टाइम्स में कट जाता है, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5, इसको अगर कटाते हैं तो आपको मिलता है 25। इस तरह से हमारा एक इक्वेशन मिल गया, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 15 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको माइनस कर देते हैं, सॉरी इसमें आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, और यह 2a प्लस 9d
टू ए प्लस 90 इक्वल टू 25। अब जब इसको माइनस करेंगे आप तो यह 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5d इक्वल टू आपको मिल गया 5। तो d का वैल्यू 5 बाय माइनस 5 लिखने से माइनस 1 मिलता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं a10 निकालने के लिए। तो a10 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू जो है हमारा अभी नहीं निकला है। इस इक्वेशन में रख के हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो यह 17 हो गया प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू, हमारा डी का वैल्यू जो है माइनस 1 निकला हुआ है। तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। इस तरह से हमारा 8 हो गया, ए टेंथ टर्म 8 हो गया और कॉमन डिफरेंस डी जो हो गया माइनस 1 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया गया है कि a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90 और इसमें फाइंड हम लोग को करना है n एंड an। तो इस Sn को हम लेके चलेंगे, Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि 90 के बराबर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Sn n बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, a का वैल्यू हमारा 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा 8 है इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करते हैं। तो n बाय 2 है, 2 अगर इससे कॉमन ले लिया जाए तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 90। ये 2 कैंसिल हो गया। तो n इंटू 2 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 90। इसको आप लिख सकते हैं n इंटू 4n माइनस 2 इक्वल टू 90। इसको आप लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें यदि 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यह 2 जो है 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह इक्वेशन जो है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यह जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो 45 टू जा 90 होता है और उसके बाद 10 9 जा भी 90 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इस तरह से यदि हम इसमें 2n कॉमन लिए तो n माइनस 5 मिलता है, प्लस 9 कॉमन लिए तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन हमको मिला, n माइनस 5 एक और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह से n का वैल्यू 1 5 प्राप्त होता है और n का वैल्यू 1 9 बाय 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। अब हमारा निकालना है an, निकालना है हमको an, फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या निकालना है अब an। तो an निकालने के लिए
क्या चाहिए हमको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a क्या निकलेगा आपका, 5 इक्वल टू 2 इन प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8। इस तरह से 2 प्लस 4 इंटू 8 इक्वल टू 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। तो एक ये आंसर हो जाता है 34, और एक आंसर जो होता है आपका ये n नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 5 होता है। अब इसके बाद जैसा कि हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है क्या कि an इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू 1 माइनस 14, और फाइंड n एंड a। तो इसमें n और a का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो जैसा कि a n इक्वल टू 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a n इक्वल टू 4 को a प्लस प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। इसमें हमको वैल्यू a का नहीं मिल रहा है, a का वैल्यू निकालना है, n का भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो n माइनस 1 डी का वैल्यू हमको मिल रहा है 2 इक्वल टू 4। तो यह जो इक्वेशन हो जाता है आपका a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n इक्वल टू 6, और इस तरह से a का जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। ये इस इक्वेशन को 1 मान के चलिए। अब हमको दिया गया है एस एन इक्वल टू माइनस 14, तो एस एन को क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 14। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, एन बाई टू 2 इंटू ए का जो वैल्यू है 6 माइनस 2n है, तो यहां पर 6 माइनस 2n रख दीजिए प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू जो है 2 है, तो इसमें d का वैल्यू 2 रख दीजिए इक्वल टू माइनस 14। इस तरह से हम देख रहे हैं कि n बाय 2 इंटू 6 टू जै 12 माइनस 2 टू जै 4n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 14। तो n बाय 2 इंटू यह हो जाएगा आपका माइनस 2n, 12 माइनस 2 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 14। तो n इंटू 2n माइनस 2n प्लस 10 इक्वल टू 28, यह 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह आपको मिल गया माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू माइनस 28। इसको आप लिख सकते हैं, इसमें अगर 2 हम माइनस 2 कॉमन ले लें तो यह n स्क्वायर माइनस 5n, और इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो प्लस 14 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में तो प्लस होता है, फिर माइनस निकाल लेने से माइनस में यह बच जाता है। इस तरह से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मिलता है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप यहां देख सकते हैं, यह आपका हो गया n स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यह आपका n कॉमन लेने से n माइनस 7 आता है, 2 कॉमन लेने से n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक n का जो वैल्यू है यह आपका हो जाता है 7, और एक n का वैल्यू माइनस 2 हो जाता है, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग
अब जिस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, सिर्फ उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होगा। उस सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखें, और अगर उसको लिखना चाहें तो वीडियो के को देखते हुए पॉज बटन दबाएं और उसका सॉल्यूशन आप लिख लें। Thank you.
अब रेस्ट प्रॉब्लम्स जो बच गया आपका, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रेस्ट प्रॉब्लम जो बच गया हम लोगों का, वह अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।